हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ स्पाइंग यू, कौन आपका स्पाई करता है, और स्पाई करके वो रिपोर्टिंग किस तरह के लोगों को और किस तरह की एनर्जी को करता है। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब के सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर दीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। जब कभी भी आपको लगे कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेते हैं मुझसे या किसी और से, तभी आप अपनी पूरी मैक्सिमम तसल्ली कर लें और उसके बाद ही किसी कंक्लूजन या किसी डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मेरा नंबर मौजूद है। इवन आप एक सिंगल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या कौन से लोग हैं, कौन है जो आपको स्पाई करता है, यानी कौन आपकी खबर रखता है, कौन आपको चेक करता है, और किस तरह के लोगों को जाकर वो आपकी रिपोर्टिंग करता है। ठीक है, ये टाइमलेस होगी, ये याद रखिए। कौन आपको आपके लिए स्पाइंग करता है, कौन आप पर स्पाइंग कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, और आपकी स्पाइन तो बेसिकली मकबरी होती है ना, कौन आपके ऊपर नजर रखता है। लेट्स सी किस तरह का पर्सन है। मैरिज, ओके, थीफ, ऑल राइट, रकीब रूसिया, ऑक्यूपेशन। देखिए जी, मैरिज का कार्ड निकला है तो यकीनन फॉर श्योर अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी बीवी आप पर, और अगर आप शौहर हैं तो आपकी आपका शौहर आप पर और बीवी आप पर जो है वो एक दूसरे पर चेक रखती है। मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो। अदरवाइज मैं ये देख सकती हूँ कि कोई आपकी मकबरी जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए कोई ना कोई हर वक्त आपकी खबरें रखता है ताकि पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। आई फील के आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, अगर तो आप मैरिड ही हैं या आप रिलेशनशिप में भी हैं तो। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। आपके जो आप दोनों का जो बॉन्ड है एज अ कपल, उसके ऊपर कोई इस तरह की खबर रखता है कि जैसे चेक करे कि इनके अंदर इतनी मज़ेदार सी केमिस्ट्री है कैसे, इनके अंदर वो पटाखा और मसाला क्यों नहीं मिलता जैसे दूसरों के बारे में मिलता है। फॉर एग्जांपल, आ सखी तुझे मैं अपने दुखड़े सुनाऊं, तो वो वाली चीज़ शायद आप बहुत ग्रेसफुल पर्सन हैं कि आप हर किसी के सामने रोना नहीं डालते कि हाय मुझे कल उस रात उसने ठुड्डे मारे या पीटा या गालियाँ दी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो भी पर्सन है, एक तो ये कि मैं ये देख सकती हूँ कि इसका मुखबरी करने का या स्पाइंग करने की रीज़न ये है ताकि मैं भी इनकी लाइफ में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन बना रहूँ कि जैसे इनका सोचने का और तवज्जो का महवर ये दोनों एक दूसरे के लिए खुद ना हो, हम हों, और वो आप होने नहीं देते। एक तो ये कि आप खुद बड़े प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, मैं अगर इस कार्ड को अगर देखूँ तो नॉट नेसेसरी कि मैं आपको एज ऑफिशियल पार्टनर्स के तौर पर अगर भी देखूं या नहीं भी देखूं, ये आपके लिए बड़ी मेहरबान, बहुत ज़्यादा। पूरी दुनिया को ये लगता है कि जैसे आपके लिए ये दीवार बने हुए, जबकि एक्चुअली आप इनके लिए दीवार हैं लोगों के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अतराफ़ के जितने भी लोग हैं, दे के नॉट सेंस कि इसको कहो तो उसको लगती है और उसको कहो तो इसको लगती है, और किसी को आने नहीं देना कि कोई आपकी कमज़ोरी पकड़े। तो ये जो एनर्जी है, ये जो पर्सन है आपका मुखबिर बना हुआ है, इसको आपकी सेटल्ड लाइफ से मसला है। अब हो सकता है कि ये नॉट ऑफिशियली कि ये कपल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो, ये किस तरह से भी हो सकता है कि जैसे आपकी पेरेंटिंग इतनी अच्छी हो, आपकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी हुई भी हो कि आप मौका ही ना देते हो किसी तरीके से भी किसी को कोई ना कोई बात उठाने का। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक इतने वर्कहोलिक पर्सन हैं कि आपका काम ही कुछ इस नौयत का है कि हर कोई इंसान ये चेक करने पर मजबूर है कि इसको काम के वक्त देखो, क्योंकि इतना सुकून किसी की ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। यकीनन कोई ना कोई तो एक बैक सपोर्ट है जिसकी वजह से ये अपने काम में इतने महिर हैं। हो सकता है कि वाकई आपका कोई काम ऐसा हो जिसको मशीन की तरह, लेबर की तरह करना हो,
और आप खामोशी से मुंह में हल्की सी एक च्युइंगम दबा कर, या मुंह में जिसे कहते हैं ना कि पान चबा कर, और आप लगे हुए काम में खामोशी से, और आपकी सोचें मुस्तकिल चल रही हैं, बट यू आर नॉट गिविंग एनीबडी अ चांस टू से कि तुमने ये नहीं किया। तो ये जो मुखबरी है, ये आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी सेटल्ड लाइफ को लेकर, आपकी रिलेशनशिप की लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना कि भाई कैसे सुकून में हैं हम, कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में ऐसा करते रहें कि जिससे इनको ये एहसास हो कि हम इम्पॉर्टेंट हैं, तुम्हारा ज़िंदा होना और तुम्हारा सांस लेना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह के लोग नज़र आ रहे हैं जिन जो आपके काम की जगह पे भी आपकी मुखबरी करते हैं, और कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आप पर भरोसा करता है, लेकिन उसने कोई ऐसे पैटी लोगों को आपके पीछे छोड़ा हुआ है जो कि अपने आप को देख से ज़्यादा चमचा गर्म समझते हैं, कि उसको है आपके ऊपर फुल फ्लेज भरोसा कि आपके अंदर ग्रेस है, डिग्निटी है, पैशन है, काम के लिए डिटर्मिनेशन है, लेकिन फिर भी चोर को चौकीदार अगर बना दो तो ज़्यादा निगरानी अच्छे तरीके से होती है। और ये लोग देख से ज़्यादा चमचा गर्म कर समझ कर अपने आप को से समझते हैं कि जैसे हम इनकी गुड बुक्स में हैं, हम इनकी खबर रखेंगे और इनको बताएंगे तो हम इनकी गुड बुक्स में हैं। एक्चुअली ये स्पाइंग करवाने वाले का एक टेक्टिक है कि एक तीर से दो शिकार, ये भी पता चल जाए कि आस्तीन का सांप कौन है, और आस्तीन के सांप को ही दूध पिलाओ ताकि एक दिन वो खुद ही किसी ना किसी को डस मारे। तो ये चीज़ ज़रूर है कि आपका बहुत ही क्लोज्ड रिश्ता है जो आपकी मुखबरी करता है, यानी स्पाइंग करता है। इट्स नथिंग टू कि मैं आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी डलवा रही हूँ, लेकिन इस तरह की जब रीडिंग होती है ना कि कौन आपसे कनेक्ट करना चाहता है, या कौन आपको स्टॉक कर रहा है, या कौन आपसे जेलिस है, इसका असल पर्पज़ ये होता है कि ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये मैंने आपके एक सोशल लाइफ से चेक किया है, अभी टैरो से चेक नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली ये भी ऑरेकल्स ही हैं। तो काम यानी ऑक्यूपेशन, थीफ आपके ऊपर नज़र रखना, और मैरिज, दैट मींस कि कहीं कहीं पार्टनर्स भी एक दूसरे को चेक करें कि जब ये काम पर जा रहे हैं तो इनको चेक करो कि काम के जगह पर तो कोई ऐसे लोग नहीं हैं, काम के किसी कोलीग को अपना दोस्त बना कर ही मुकबिल बना लिया, यार आज मैंने बहुत देर तक फ़ोन किया वो वहाँ पर थे नहीं, तुम्हें पता है कहाँ गए हैं, तो चलो जनाब इसी पर भड़क भड़क हो गई, यानी इस तरह का। मे बी आप दोनों एक ही जगह पर ऑफिस शेयर करते हैं, आप दोनों मिलकर कोई काम करते हैं, आप दोनों ने एक साथ बिजनेस वेंचर चला रहा है, या फिर अगर आप लोग दोनों एक जगह पे काम नहीं करते तो एज़ कपल आप दोनों को एक दूसरे के मुतालिक खबरगिरी मिल सकती है। तो कौन आप पर स्पाई कर रहा है ये मैंने आपको बताया। अब मैं डिफरेंट ओरेकल से चेक करती हूँ कि एनर्जी क्या है स्पाइंग करने की। लेट्स सी, ये आपकी जो लोग मुखबरी करते हैं, ये जो आप लोग आपकी खबरगिरी करके आगे पहुंचाने की कोशिश करके अपने आप को बहुत ही आपका वेल विशर समझते हैं, इनकी एनर्जी है किस तरह की? प्लीज़ गिव मी मैसेजेस। ट्रिकरी, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको अपनी इतनी सी प्रॉब्लम राई के पहाड़ की तरह बताते होंगे, और ऑल्दो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अपने लिए अपने हिसाब से वो बहुत मुश्किल हैं, लेकिन ये अपने आप को ऐसा शो करते हैं और ऐसा आपको ट्रिक करते हैं, ऐसा आपके साथ कहानियाँ करते हैं कि किसी तरीके से आप वो आइडियोलॉजी शेयर करें जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस मेंटेन है। बहुत एग्जॉस्ट होते हैं आप, बहुत परेशान भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी थकावटों और मजबूरियों के बावजूद आप इन तमाम लोगों को मुँह तोड़ जवाब देते हैं, और इनको जैसे कहते हैं ना अपने मुंह की खानी पड़ती है। तो इसका मकसद ही असल में एक्चुअली ये है कि आपकी मुखबरी करना एक तरीके से, शायद आपको भी मालूम है कि भाई मेरे सर पर हर वक्त जो ना इनकी नज़रें मुसल्लत होती हैं, तो मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको ख़ुद भी शायद इस तरह के लोगों का पता है, क्योंकि जिस तरह के इशूज़ के साथ ये आपके पास आते हैं, कभी कभी आपकी स्किल्स को टेस्ट भी करते होंगे। एक ट्रस्ट की स्किल को चेक कर दिया आप थोड़ी सी, उसमें मशवरा देने में डंडी मारी, इन्होंने फौरन जाकर इनको जाकर बता दिया कि आपको पता है उसके अंदर तो ये क्वालिटी है ही नहीं, एंड देन जब टेबल पर डिस्कशन होता है तो फिर चीज़ें डिफरेंट आ जाती हैं। डिसिपेटिंग, ये तो खैर आप कार्ड ही देख लेंगे किस तरह का है, ठीक है। देखें, आपकी मुखबरी जो भी करवा रहा है, ठीक है, या जो कर रहा है,
उनको ये तो पता है कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन आप अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट ना हो इसकी वजह से आपकी मकबरी हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पार्टनर ही आपके ऊपर नज़र रखते हैं तो डेफिनेटली उसमें एक स्वीट पजेसिवनेस है। लेकिन यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपके पार्टनरशिप से ज़्यादा एक आपकी सोशल लाइफ, क्योंकि शुरू में तो जोक्स अपार्ट मैंने मियाँ बीवी वाली बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि कुछ लोगों ने आपके आपको इतना ज़्यादा हाई मोरल पर और हाई रिगार्ड्स पर रख दिया है, इतने हाई पेडेस्ट्रियन पर रख दिया है कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जो कि एक आम इंसान करता है। ऐसा ऐसा आपका कैलिबर बना दिया, जबकि आप इस मामले में काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि भाई लेट मी लिव लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन। बट ये जो ट्रिक्स होती है ना, ये शो करवाती है कि नहीं नहीं यू आर समथिंग डिफरेंट, आप ऐसा ना करें, और इस तरह की चीज़ें करके आपसे ज़रा सी कोई झोलो और फिर जनाब क्लास हो गई। तो ये कुछ इस तरह का है जिसमें आपने काफ़ी हद तक अपनी हेल्थ को और अपने आप को इग्नोर किया है। आप काफ़ी हद तक बाज़ दफ़ा मुझे लग रहा है कभी कभी तो आप अपनी शीशे में शक्ल भी नहीं देखते, बिकॉज ये जो ऑक्यूपेशन वाला कार्ड आया है इसमें आपका काम कुछ है ही है सर। फॉर एग्जांपल अगर आप हाउसवाइफ भी हैं या आप मर्द होते हुए भी घर में रहते हैं और अब आप बिल्कुल ऐसे फेज में कि आपके बिजनेस में आपका एक अपना क्यूबिकल है, आपका एक छोटा सा ऑफिस है और आप उसके अंदर बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं और बिल्कुल आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक तरीके से नज़र है, एक तरीके से देखा जाता है। लेकिन आपने काफ़ी हद तक अपने आप को छोड़ा हुआ है, आपको ये होता है कि नहीं आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरा चार्ज है, मुझे करना पड़ेगा, और जिस नौयत का आपका काम है उसमें आपको खामोश रहने में ही आफियत समझी जाती है, आपको लगता है कि हाँ ठीक है। ऑन दी अदर पार्ट थिंग्स गेट्स मिराकुलस एज वेल, बिकॉज मुखबरी होती भी है, लेकिन आपको शायद पता है कि किस ग्रेस से ज़िंदगी गुजारी जाती है, चाहे वर्क प्लेस की हो, शादीशुदा ज़िंदगी हो, ससुराल हो, मैरिड लाइफ हो, पार्टनरशिप की हो, रिलेशनशिप हो, जैसा भी हो, आपको उस ग्रेस का पता है। तो कोई आपकी मुखबरी करके भी ना आपके लिए अच्छाई ही कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी मोर मैसेजेस भी पता चले और देखते हैं, लेट्स सी मोर हु इज स्पाइंग यू, कौन आपकी मुखबरी करता है, हु इज स्पाइंग यू, पावर अथॉरिटी है, देख लें मैंने कहा था। और ये ड्वेल फेस है, आई थिंक जो जितने जब लोग स्पाइंग करवाते हैं, जो लोग मुखबरी करवाते हैं वो होते ही पावरफुल लोग हैं, अथॉरिटी वाले लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल इन लॉज में फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, बड़े लोग और बड़ी जुठानी, बड़ी देवरानी, यू नो इस तरह के लोग। और अगर इन लॉज ना हो, क्योंकि इन लॉज हमेशा ख़राब नहीं होते, लेकिन एक मदरली सुपरविजन की बात अलग होती है। और अगर आप अपने सिबलिंग्स के ऑर्डर में हैं तो भी बाज़ दफ़ा फैमिली में, रिलेटिव्स में भी ये एनवी आ जाती है। और आप अगर बिल्कुल एक आइसोलेटेड और इंट्रोवर्ट लाइफ गुजारते हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा स्पाइंग होती है कि भाई मुझसे तो वो क्लोज़ नहीं है, ज़रा तुम उससे बात करके देखो, यानी अटैक दोनों हो गया। और अगर वर्क प्लेस है तो डेफिनेट ये जो लोग आपकी मुखबरी करवाते हैं, करते हैं, ये पावर में हैं, ये आपके अथॉरिटीज़ में से हैं, सीनियर अथॉरिटीज़ में, हायर अथॉरिटीज़ में, और आपके साथ एक काइंड बट एक क्रूल, दोनों तरीका। और ये इसका ऑपोजिट ये भी हो सकता है कि आप इस तरह के पर्सन हैं तो आपकी पावर मिसयूज़ ना हो इसलिए भी, और आप बहुत ज़्यादा काइंड होकर सिंपैथी करके खुद ही एड़े और पेड़ा में बन जाएं। तो ये इस तरह के लोग आपकी मुखबरी करते हैं। लेट्स सी मोर मेजर आर्काना आया है कि नंबर 8 सेक्रीफाइस। आपको बहुत दफ़ा ऐसा लगता होगा कि रेस्ट एंड रिजुविनेट नंबर 4 एंड ट्रायंफ एंड सक्सेस। ऑलराइट, देखिए ये जो लोग आपकी मुखबरी कर रहे हैं ना, दिस इज़ समथिंग इन योर गुडविल, जो मैंने ऊपर बात कही थी वो इस वजह से कि आपकी शख्सियत में झोलना है। ये मैं दोबारा बात कहूँगी, बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे मैटर्स ये आपकी तरफ थ्रो करते हैं टू सी हाउ यू आर डीलिंग, कि कैसे आप उसको डील कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने सीखी है कि अब आप इमीडिएट बिहेव नहीं करते, इमीडिएट रिएक्ट नहीं करते, आपको अपनी अथॉरिटी को यूटिलाइज़ करते हुए डिले करना आ गया है, और डिले आप लिटरली मेडिटेट करके करते हैं। मुझे बहुत हाईली इंट्यूटिव आप लोग लग रहे हैं, इनको ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि आपने बहुत कुछ दिया है फैमिली को, काम को, एंड एग्जॉस्ट हो गए हैं आप, लेकिन
जो आपको रुतबा अब मिला है वो इस मिरेकल का ही नतीजा है कि आपने सीखा है, आप इवॉल्व हुए हैं। तो अब इस स्टेज पर अगर आपकी अथॉरिटी और आपकी पावर आपका दिमाग ख़राब करेगी, उस मद में ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से, और ये एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी ही बात है। देखिए वालदैन भी जो होते हैं ना, जो मौला अली का कॉल है कि अपनी औलाद को तीन स्टेजेस में उसकी तरबियत करो, पहली से 7 साल बादशाहत और 7 से 14 साल ग़ुलाम और फिर 14 से 21 वज़ीर। तो आप सोचिए कि अगर यही तरीका कार है तो फिर हम जब अपनी औलाद के लिए, अपने छोटे बहन भाइयों जिनको हम बिल्कुल बच्चों की तरह पालते हैं, या हम खुद एज पेरेंट्स जब अपनी औलाद को देखते हैं कि हम नहीं चाहते कि उसकी शख्सियत में कोई झोल रह जाए, तो हम उसको बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन हम उसको उसकी सलाह के लिए, उसकी इस्लाह के लिए जो कुछ भी बोल रहे होते हैं वो उसको एक सर्टन एज पर आकर एक टॉन्ट लगता है, एक क्रिटिसिज्म लगता है, बॉडी शेमिंग लगती है, इंस्ट्रक्शंस दीज़। टीन एज जो होती है, टीन एज को हैंडल करना आसान नहीं होता, बिकॉज वो अपने आप को एक बायोलॉजिकल ट्रांजिशन में ही समझ ही नहीं रहे होते हैं कि अब हम बच्चे हैं, अब तो हम बड़े हो गए। तो वही वाली चीज़ आपके साथ ये जो स्पाई कर रहे हैं आपको, ये इन्होंने आपके साथ किए कि ये हमारे हैं, वही वाली बात, पार्टनरशिप में ये हमारे हैं। तो अगर कोई आपके लिए गलत कहेगा तो ये इनके लिए गलत कह रहा है। तो मैं जो कह रही हूँ कि जो आपकी मुखबरी करते हैं वो आपकी गुडविल में करते हैं, दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न, पावर मिसयूज़ ना हो जाए, क्योंकि आप उनकी पावर की रिप्रेजेंटेशन है, आप अपने पेरेंट्स की, अपने पार्टनर की पावर की रिप्रेजेंटेशन है। यू कैन नॉट डू इट, आपने बहुत कुछ दिया है और अब वो सेक्रीफाइस आपके रिवॉर्ड में जा रहा है, आपके बेनिफिट में जा रहा है, आपकी हेल्थ अब पता चल रही है, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है, आपका चेहरा देख के लोग अब समझ जाते हैं कि आपने एक वक्त दिया है, आपने एक उम्र दी है अपनी। और फैमिलीज़ में ये होता है, वर्क प्लेसेस पे ये होता है, लोग अपनी इतनी लंबी सर्विसेज देते हैं, लोग फैमिली में इतने सादा साल दे देते हैं अपना लोहा मनवाने के लिए, और ये हर जगह होता है। बट आपको सक्सेस मिली है, आपको एस ऑफ सोर्ड से क्लैरिटी मिली है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अब मेरा कोई घंटा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो आप इस मामले में कॉन्फिडेंट हैं। बट अगेन, जितने भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, आप एक कमरे में भी बंद हो जाएं तो आपकी निगरानी और मुखबरी आपके फरिश्ते करेंगे, क्योंकि आमाल नामा तो लिखने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भी मुतय्यन किया है कि मेरे बंदे के तमाम आमाल लिखो। तो मुखबरी तो खुदा ताला भी करवा रहा है अपनी फरिश्तों से ज़िम्मेदारी लेकर। तो फिर जो बंदा है बशर जो इस दुनिया में रहता है उसकी तो होगी ही होगी मुखबरी। लेकिन मुझे यहाँ पर एक अच्छी कंसर्न्ड पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है, कोई ऐसे लोग नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा बैलेंस आपकी प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ का, दोनों का ब्लेंड है, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट मैरिज कार्ड से हो रही है। मैं हमेशा अपनी रीडिंग के फर्स्ट कार्ड को बिल्कुल रीडिंग कंक्लूड करते हुए ज़रूर रिलेट करती हूँ, कि मुझे उससे वहाँ से पता चल जाता है कि रूट कॉज कहाँ से क्रिएट हो रही है। तो आपकी फैमिली की भी आप बेस हैं, आप अपनी फैमिली की भी एक पावर हैं, आप अपने इस पर्सन का जो आपके लिए मुखबरी करवाता है उसकी भी आप एक बैकबोन हैं। तो आप हर तरीके से, जैसे मैंने कहा ना, आपको हाई पेडेस्ट्रियन पे चढ़ा दिया है, तो उसके चढ़ाने की वजह ही एक्चुअली ये है कि आप अपने ट्रैक से ना हटें। तो ज़िम्मेदारी यकीनन बढ़ जाती है, लेकिन है भारत, ज़िम्मेदारी तो ज़िम्मेदारी है। लेट्स सी, अब हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि इनको ज़रूरत क्यों है मुखबरी करने की, क्यों ज़रूरत है इनको मुखबरी करने की। फोर ऑफ सोर्ड्स अब ये जानना चाहते हैं कि आपके अतराफ में क्या ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब होती है। ये इस वजह से भी मुखबरी कर रहे हैं कि कोई आपको अननेसेसरली अगर तंग कर रहा है और आप उसको डिले टैक्टिक पर डालकर सेक्रीफाइस करके एक अपनी पावर को सरेंडर करके उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो दे आर कंसर्न अबाउट यू इन अ गुड वे। अब ये नहीं चाहते कि इन्होंने पहले आपको टेस्टिंग पर डाला, अब ये आपको टेस्टिंग आपकी हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने दें। आई थिंक ये आपकी मुखबरी इसलिए भी करते हैं, आपको आपके ऊपर स्पाइंग इसलिए भी करते हैं कि आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ पे ना करें। दिस इज़ अ वेरी स्वीट जेस्चर आई मस्ट से। बहुत सारे लोग फिर कहेंगे कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमको तंग ही ना करो। ये तंग करने की बात नहीं है। देखिए अल्लाह ताला जो है वो किसी को इख्तदार देता है। मौला अली का कॉल है कि अगर किसी को आपने हकीकतन जानना हो ना, तो आप उसको इख्तदार, उसको हुकूमत, उसको पावर देख कर देख लें। इमोशनल हैं आप, एक नरम दिल इंसान, तो आप बहुत सारे फैसले जो हैं वो नरम दिली से कर जाते हैं। जहाँ सख्ती की ज़रूरत है वहाँ सख्ती ही करनी है, जहाँ नरमी की ज़रूरत है वहाँ नरमी ही करनी है। बहुत सारे लोग आपको पकड़ लेते होंगे, यार इसका कंधा पकड़ लो, बड़ा नरम है, इसको पटा लिया ना तो ये सब कुछ कर लेंगे। ऐसा नहीं करें। आपकी मुखबरी इसलिए भी करना है कि आप डरते हैं अगर, तो ना डरें, क्योंकि आप डर के अगर कोई फैसला करेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन होगी।
खौफजदा नहीं करना, यानी आपकी मुखबरी करते हुए भी आपकी कोई कमी ढूंढने की भी इनको कोशिश है, इनकी कोशिश है कि कोई कमज़ोरी कोई खौफ पता चले जिसके ऊपर ये पांव रख सकें। बहुत रिलीजियस हैं आप और इंट्यूटिव हैं, टीचर्स हो सकते हैं आप लोग, स्कॉलर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपकी मानते हैं, तो वही वाली बात, यहाँ पावर वहाँ पे अथॉरिटी या हैरोफेंट। यू आर अ वेरी वेल नोन पर्सन, वेरी वाइज पर्सन, और मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फ़िक़ही पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शरई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यू आर एन इंस्टीट्यूट, यू आर एन अकेडमी इन योरसेल्फ, आपसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो मुखबरी करने की वजह यही है, कहीं अपनी ही लेगेसी ना क्रिएट कर दें, ये कोई अपनी ही मैंशन ना बना लें, कोई अपना ही हुकूमत ना बना लें। अगर आप हमारे रिप्रेजेंटर हैं तो फिर आप हमारे ही मिशन विजन को आगे लेकर चलें। तो ये भी एक वजह है कि आप लोगों को सिखा क्या रहे हैं, क्या आप लोगों को वो तरगीब दे पा रहे हैं जिस तरगीब पर, जो तरगीब इन्होंने आप लोगों को दी है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों से, या इन लोगों ने, इनका आपके ऊपर स्पाइंग करने का मकसद ये भी है कि इनको बहुत से बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए, इन्होंने बहुत सारे अपने लोगों से भी धोखा खाया है। तो अब अगर ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो ये नहीं चाहते कि सिमिलरली आपके साथ भी वो हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके थ्रू ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं कि आपका कंधा इस्तेमाल हो जाता है, वो जो बात मैंने यहाँ पर कही थी। तो दिस इज़ समथिंग, यू नो, आपको मोहतात होने की भी ज़रूरत है। मतलब बहुत सारी अच्छी बातों के बाद मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना है कि 10 of Swords यहाँ पर क्यों आया है। यस, देखिए दो चीज़ें हैं, बात जहाँ से शुरू हुई वहीं पे एंड हो रही है। आपकी पार्टनरशिप, आपकी फैमिली, आपका लाइफ पार्टनर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। आप सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, आप सारे धोखे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन फैमिली पे जब बात आएगी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यही आपकी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से ये आपको स्पाई करते हैं कि अगर इसकी फैमिली को, इसके पार्टनर कुछ किया तो इसने तो फिर शेर की तरह धाड़ देना है, और इस वजह से ही आपकी फैमिली एक्टिविटीज़ को, आपकी एक्टिविटीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और आपकी मुखबरी करते हैं, आपका चेक रखते हैं। ये फैमिली में कहाँ चल रहा है, ये इतना पैसा कहाँ से भरस रहा है, ये इतनी सेटलमेंट कहाँ से चल रही है, इन दोनों में खटपट क्यों नहीं हो रही है, इसकी फैमिली में चल क्या रहा है, ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये वो लोग हैं और ये वो एनर्जी है और ये वो हरकत और सकनात हैं जिसकी वजह से आप पर स्पाइंग होती है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे बताइएगा, क्योंकि गाइडेंस तो मैं प्राइवेटली दूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें जितनी बातें आपसे रेजोनेट हुई हों उसी को फॉलो करें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा सन्नाटा हो गया। टेक केयर, बाय बाय।